नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज। आइए रुख करते हैं राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी अलग रणनीति के साथ मुलायम सिंह यादव के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए PTA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ को लेकर जमीनी जंग में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व CM अखिलेश यादव पिछले चुनावों में मिली हार से सबक लेते हुए अपनी रणनीति में बदलाव लाते हुए गंभीरता से काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा के बनाए समीकरण को तोड़ने के लिए PEGM साइकिल यात्रा का आयोजन शुरू किया है। आज सोमवार को लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुई PEGM यात्रा में हजारों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा शुरू होने से पहले एक्सप्रेसवे पर पहले से ही इसके पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। हालांकि इस दौरान एक लेन बंद होने से दूसरी तरफ लंबा जाम लग गया। वहीं PTA यात्रा का रास्ते में जगह जगह सपाइयों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से साइकिल से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाकर गए। PTA यात्रा शुरू होने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा PTA हमारे साथ है, आदिवासी भाई और अल्पसंख्यक भाई भी हमारे साथ है। अखिलेश ने कहा कि PTA यात्रा काफी दिनों से चल रही है, जो 22 नवंबर को सैकभाई इटावा में संपन्न होगी। आज चूंकि ये यात्रा लखनऊ पहुंची है, तो मैं इस यात्रा में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने इशारों में BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जान सकते हैं कि कौन सा दल इस यात्रा से परेशान है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद देश को बांटने वाली ताकतों से भारत को बचाना मुख्य मकसद है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं, सपा में सबका ख्याल रखा जाएगा। मैं इंडिया टीम को बधाई देता हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो विकास का काम करवाए वो अगड़ा है और जो उस काम पर सिर्फ फोटो खिंचवाए वो पिछड़ा है। हमने इतना शानदार स्टेडियम बनवाया इसलिए हम अगड़े हैं और जिसने कुछ नहीं कराया वे पिछड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि PGI में सांसद के बेटे की मौत पर भी अखिलेश बोले कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। उन्होंने आगे कहा कि एक भी जिला अस्पताल BJP सरकार में नहीं बना है। इस सरकार में गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। UP में डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार डेंगू के मरीजों का इलाज नहीं करा पा रही है। सरकार किसी को नौकरी नहीं दे पा रही। UP में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त है। BJP के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बजट ही नहीं दिया। इस मौके पर महाराष्ट्र GTS के तमाम नेता सपा में शामिल हो गए। PPN न्यूज के लिए नवीन वर्मा की खास रिपोर्ट।